हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बारे में। तो उसी के बारे में एक सूचना बताने वाले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्ट वन का रिजल्ट जो कुछ ही दिन पहले निकला था, उसका रिजल्ट निकलने के बाद जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो उसी के बारे में आज हम बात करना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। तो चलिए हम बताते हैं कि आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा क्या जवाब दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, जो पार्ट वन का रिजल्ट निकला था, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, स्नातक प्रथम वर्ष के रिजल्ट में गड़बड़ी विरोध। विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमाकर नारेबाजी की। बढ़ते प्रदर्शन को देखते यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंट्रोल प्रवीण कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी को कल तक समय दे, विद्यार्थियों के हित निर्णय लिया जाएगा। वहीं छात्रों को नेतृत्व कर रहे हैं उज्जवल उपाध्याय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शुक्रवार तक विश्वविद्यालय निर्णय नहीं लेती है तो छात्रों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अब जाकर क्या एक्शन लिए है। उससे पहले हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नीचे दिए गए बटन को दबा दीजिए, घंटी का दबा दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को सभी प्रकार के बिहार बोर्ड, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या किसी भी बिहार की किसी भी एग्जाम की सूचना, सभी एग्जाम की सूचना इस पर दी जाएगी। साथ ही इस पर आप लोगों को किस तरह से आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, सभी जानकारी आप लोगों के इसी चैनल पर दी जाएगी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे जो पेपर कट था उसमें देखा कि विश्वविद्यालय ने कुछ दिन का टाइम मांगा था, तो देखिए कुछ दिन उसके बाद देखिए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो मिलेगी स्कैन कॉपी। विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि जो लोग भी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है उनको स्कैन कॉपी दिया जाएगा। फिर देखिए ऊपर दिया गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शुक्रवार को एकेडमिक काउंसलिंग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कुलपति प्रो सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अगर छात्र छात्राएं अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे तब पहले विश्वविद्यालय अपने स्तर में सुधार करेगी। इसके बावजूद भी अगर वे संतुष्ट नहीं होंगे तो पूरी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी उनके आवेदन के उपरांत उनके मेल पर भेज दिया जाएगा। जैसा कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कहना है कि अगर जो लोग भी पहले तो सुधार किया जाएगा, अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं गड़बड़ी है तो अगर जो फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा, अगर गड़बड़ी नहीं है तो, और जो भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होंगे उस रिजल्ट से, उनको स्कैन कॉपी, मतलब जो परीक्षा आप लोग दिए थे उसका हार्ड कॉपी का स्कैन कॉपी आप लोगों को मेल पर भेज दिया जाएगा। फिर देखिए नीचे दिया गया है, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके अतिरिक्त परीक्षा समिति की 5 दिन हुई पूर्व बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उन पर भी विधिवत प्रसिद्ध ने मुहर लगा दी है। विदित हो कि हाल में यूजी और पीजी परीक्षाओं के परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, जिनमें कई छात्र छात्राओं को गड़बड़ियों का लेकर शिकायत की है। इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। फिर देखिए दिया गया है कि पीएचडी वाइवा 3 भागों में विभाजित होगी। फिर दिया गया है कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें काउंसलिंग पर राजभवन से स्वीकृत नियम परिनियम के आलोक में काउंसलिंग में जो 20 अंक निर्धारित है उसे भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। इस 20 अंक में 10 अंक परिबोधन पर, 5 प्रोजेक्ट और 5 अंक प्रस्तावित पर निर्धारित किए गए हैं। कई कॉलेजों का प्रचार व अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में रहे मौजूद। मीडिया प्रभारी डॉक्टर बी के मंगलम ने बताया कि बैठक में एएन कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो शशि प्रताप शाही, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रधानाचार्य प्रो तपन कुमार सहिल, जेडी वीमेंस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामा राय, अकेडमी महाविद्यालय के प्रचार प्रो इंद्रजीत प्रसाद राय, इन सभी ने उपलब्ध मतलब प्रेजेंट रहे उस टाइम जब
पिछली बार 3 भागों में विभाजित होने के लिए काउंसलिंग के लिए बैठक आई थी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो रिजल्ट से जो लोग संतुष्ट नहीं थे उनके लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने कहा कि आप लोगों को पहले तो अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो ठीक है, पहले जांच की जाएगी कोई गड़बड़ी तो नहीं है या किसी तरह की कोई, अगर उसमें नहीं मिलती है गड़बड़ी तो रिजल्ट निकाला जाएगा फिर से। उसके बाद फिर अगर जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उसके बाद भी जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे उनको जो परीक्षा दिए थे, जो जिस कॉपी में लिखे थे जो परीक्षा में, उस कॉपी का स्कैन कॉपी मतलब स्कैन कर कॉपी कर आप लोगों का ईमेल पर भेज दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना नंबर आया, किसमें कितना नंबर मिला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी स्टूडेंट तक पहुँचे।